कमल जी, पिछले दिनों आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल और 5 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे क्या कारण है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि ये गलत हुआ है, क्योंकि आकाशवाणी इस देश में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक बहुत बड़ा माध्यम है इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, और ये एक तरह से सुविधा छीन लेना है उनसे। और नेशनल चैनल की बात है, बहुत ही देश का महत्वपूर्ण चैनल है, उसका बंद होना बहुत ही दुखदाई है, शोक की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि सूचना के इस युग में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोगों तक पहुँचा सकें, इसके माध्यम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने चाहिए, जो हैं आप उनको भी बंद कर रहे हैं, और जहाँ तक प्रशिक्षण संस्थानों की बात है उनको भी बंद कर दिया जाना एक बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी की अपनी ज़रूरतें हैं, उसको नए कार्यक्रम अधिकारी चाहिए, उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो कार्यक्रम तैयार कर सकें, उसकी अपनी जो नीतियों के तहत जो कार्यक्रम बनाए जा सकें, उसकी कौन से कार्यक्रम और किस तरह के कार्यक्रम जाने चाहिए, उनकी भाषा क्या होगी, किन बातों का उनको ध्यान रखना है कार्यक्रम अधिकारियों को, ये सारी चीज़ें वो इन प्रशिक्षण केंद्रों पर सीखते हैं। इसके साथ साथ प्रशासनिक जो दायित्व हैं वो कैसे निभाएं, इसकी भी जिम्मेदारियां उनको सिखाई जाती हैं। लेकिन अगर ये प्रशिक्षण केंद्र आप बंद कर देंगे तो फिर आपके पास में जो नई प्रतिभाएं हैं उनको प्रशिक्षित करने की सुविधा भी जाती रहेगी। और मेरा एक और मानना है कि आकाशवाणी जैसा संस्थान, उसको प्रशासकों की कम ज़रूरत है, उसको कार्यक्रम अधिकारियों की नई सोच की प्रतिभाओं की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कार्यक्रम वो एलिमेंट है जिससे उसको राजस्व मिलेगा, जिस पर हम सब तनख्वाहें उसी के ज़रिए लेते रहे हैं, हम सबको जो वेतन मिलता रहा है वो उसी के ज़रिए मिलता रहा है, तो वो कार्यक्रम जो है मैं समझता हूँ कि उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। और ये सचमुच जो कुछ हुआ है ये वाकई बहुत दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ।